यूपी के सिद्धार्थनगर के शोरतगढ़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजबब्बर ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर राजबब्बर ने डुमरियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रेश उपाध्याय के पक्ष में वोटों की अपील की। साथ ही राजबब्बर ने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। हमने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से वादा किया था कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मुख्यमंत्री घर सोने नहीं गया, सबसे पहले किसानों के कर्जे को माफ करने के दस्तखत कर दिया। यह विश्वास, यह कांग्रेस पार्टी का भरोसा और उस भरोसे के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि आपके घरों में 6,000 रुपया जाएगा। और बीजेपी वालों में थोड़ा बहुत कम पड़ गया तो घबराओ नहीं, हम अंबानी और अडानी की जेब से निकालकर गरीब के घर में जरूर पहुंचाएंगे।